नमस्कार दोस्तों, हरियाणा ऑनलाइन प्रिपरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। जो भाई एचएसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स और बोर्ड्स को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें क्लर्क के पदों की रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। इस लेटर के द्वारा सरकार ने सभी विभागों को 30 अक्टूबर तक एचएसएससी को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के लिए बोला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है। ये वेबसाइट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की है। ऊपर आप देख खुद भी खोल के देख सकते हैं, जैसे cshariana.gov.in। इस साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको 3 नंबर पे एक लेटर दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कि टू सेंड द रिक्वायजेशन इन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अगर हम ये लेटर खोल के देखें तो इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। यह लेटर द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है। इन्हें चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को और डिविजन्स को भेजा है। इसमें जैसे हमारे मंडल हैं अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। इसके अलावा ये लेटर डीसी को भी भेजा गया है। इसमें ये लेटर यह लेटर 22 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया है। इस लेटर के द्वारा सरकार ने सभी डिपार्टमेंट को बोला है कि आप अपने पद, जितने भी क्लर्क के पद हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें कि वो कितने रिक्त हैं और कितने फिलअप हो चुके हैं। इस लेटर में ये कहा गया है कि सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिक्वायजेशन मॉडल पे एचएसएससी को अपना ब्यौरा सौंप दें और ये ब्यौरा उन्हें 30 अक्टूबर 2018 तक सौंपना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही क्लर्क भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन आएगा और इसमें क्लर्क की और भर्तियां होंगी। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी सुचारू रखें, क्योंकि एचएसएससी ने पहले भी ग्रुप डी के लिए एक ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद में रिक्त पदों की वैकेंसियां निकाल दी गई थी उनके लिए फॉर्म भरने के लिए, और जल्द ही ग्रुप डी की भर्ती करवाई गई। अभी ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है तो संभावना है कि जल्दी क्लर्क का भी एग्जाम हो। देखिए दोस्तों, आज के अखबार में भी ये हेडलाइन में आया हुआ है कि क्लर्क के रिक्त पद भरने के लिए 31 अक्टूबर तक आयोग को आग्रह पत्र भेजें। ये कहा है डीएस डेसी ने, जो मुख्य सचिव हैं हरियाणा के। इन्होंने कहा है कि सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी जानकारी मिली है कि क्लर्क के कुछ पद रिक्त पड़े हैं, इन्हें भरने के लिए 31 अक्टूबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ऑनलाइन आग्रह पत्र भेजें, इसे गंभीरता से लिया जाए। यह पत्र उन्होंने मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों को भी भेजा है। आपके लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि हरियाणा सरकार ने भी एचएसएससी की तर्ज पर एचएसएससी की सभी बी और सी ग्रुप की परीक्षाओं को लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। ये भी आज के न्यूज़पेपर में आई है। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा में एक जैसे पदों की भर्ती के लिए एक जैसी लिखित परीक्षा देनी होगी। सरकार ने सभी विभागों से सभी पदों की जानकारी देने को भी कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे की जो भी परीक्षाएं होंगी बी और सी ग्रुप के लिए, वो सब उनके लिए हमें एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। ये न्यूज़ एक दूसरे अखबार में भी आई है जिसकी कटिंग भी हमने यह आपको दिखाई है। इसमें भी लिखा हुआ है कि हरियाणा में उम्मीदवारों पर कम भार डालने के लिए, यानी वित्तीय भार डालने के लिए सरकार ने कम से कम प्रक्रिया के साथ भर्तियों की दक्षता बढ़ाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए संयुक्त सामूहिक आधारित परीक्षा का संचालन करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों और निगमों को 15 दिन के भीतर
लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ग्रुप बी और सी के विभिन्न पदों की सूचना सरकार को उपलब्ध कराए। यानी हम उम्मीद करते हैं कि आगे बी और सी ग्रुप के लिए जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी वो SSC की तर्ज पर ही आयोजित करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि IB ने भी 1054 वैकेंसियाँ निकाली हैं। अगर आप उन फॉर्म को भरने के लिए योग्य हो तो आप संबंधित साइट पर जाके जल्द से जल्द उनके लिए आवेदन पत्र भर दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।